गए साल में चार लोगों का फैमिली वैगनर गाड़ी उधर से गिर के बहके गई थी। हमारे गांव वाले उतर के उनको निकाला है हम लोग। हम मैंने भी खुद उरी डाला था उसमें। मैं अभी आई हूँ, मैंने ये पूरा ब्रिज देखा है और मैं रोज आती जाती हूँ यहाँ पे। और जब अब यहाँ देखा है तो देखा है कि इतना ब्रिज ये हो गया है कि कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कब ये काम होगा, जब किसी की जान जाएगी तब ये काम होगा, उसके पहले नहीं होगा क्या? मेरी अमदर साहब से और परेश दादा से एक ही निवेदन है, भले बारिश रहने दो, बारिश में भी सरकार ब्रिज बनाता है, ऐसे ही बारिश में इसका काम चालू करे। ये मैं और मेरा भाई का लड़का नितेश पाटिल, हम दोनों का अमदर साहब और प्रशांत दादा से रिक्वेस्ट है। सर, ये ब्रिज कितने साल पुराना है और कितने लोगों को यहाँ पे जो है जान का जोखिम उठाकर जो है इस ब्रिज पर से गुजरना पड़ता है हर दिन? हफ्ते में एक और दो तो गाड़ी नीचे गिरता है। इसका हाल देखो क्या हुआ है। लोग भले रिक्शा वाले रहने दो, बड़े गाड़ी वाले रहने दो, एक ही गाड़ी पास होती है। शाम के टाइम में तो पूरा ट्रैफिक लगता है। सर, देखा जा रहा है कि काफ़ी ये ब्रिज की जो हालत है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ये ब्रिज, इसका सलिया और इसके जो पिलर्स हैं वो भी जो है सड़ चुके हैं। अब क्या मतलब ये ब्रिज का काम जो है स्टार्ट होने वाला है, अभी क्या कहेंगे सर इसके बारे में? जरा इसका बताएंगे कि कितने का इसमें लागत लग रही है और किसके ज़रिए से ये ब्रिज बनने वाला है? ये देखिए, मैं पनवेल तालुका का चिटनी से भाजपा का, और अमदर साहब अमदर प्रशांत ठाकुर और परेश दादा, इनके नेतृत्व में इसका 20 कोटि का काम निकला हुआ है, टेंडर निकला है। साहब से मैं बात भी किया, वो बोला कि दीपावली के बाद में अपन इसको चालू करेगा। लेकिन आज की डेट की ये हाल है कि ये कभी भी गिर सकता है, इतनी हालत ख़राब हुई है। उसका पूरा सलिया दिखता है। एक ऐसा बिल्डर है जिन्होंने फेज टू से लेके मेरे घर तक डबल रोड किया, आर्यंत वाला अशोक भाई छाजड़, उसने खुद के पैसे से ये रोड डबल किया। और अभी अमदार साहब ने और परेश दादा ने ये काम निकाला है। सर, बारिश का मौसम जो है शुरू हो चुका है और बरसात के मौसम में जो है ये ब्रिज के ऊपर तक के जो है पानी भर जाता है, तो क्या लगता है आपको, मतलब ये क्या पूरा बारिश ये ब्रिज सह पाएगा ये पानी? ये देखो, तीन दिन में बहुत बारिश दिया है। मैं गए साल की बात करता है, गए साल में चार लोगों का फैमिली वैगनर गाड़ी उधर से गिर के बहके गई थी। हमारे गांव वाले उतर के उनको निकाला है हम लोग। हम मैंने भी खुद उरी डाला था उसमें निकालने के लिए। ये साल में ये आज गिरेगा कल गिरेगा कुछ ये ब्रिज का बोल नहीं सकते। इसके ऊपर मैं बोलता है नगर पालिका ने तुरंत एक्शन लेके इसके ऊपर कम से कम कुछ रेडीमिक्स ला के कुछ तो डालो तो सही, तो ये बारिश में वो टिकेगा, नहीं तो सलिया करके पूरा नीचे जा सकता है। अभी ये साल में बचाने का है, कोई मर गया तो इतना सोसाइटी वाला इधर आया, इतना सोसाइटी हुआ है। अभी हमारा पहला गांव था, खेत था, अभी खेत दिखता ही नहीं है, पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले खेत था और अभी बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो गया, काफ़ी लोगों ने करोड़ों रुपया लगा कर जो है यहाँ पे अपना घर बसाने की मतलब सोची है और काफ़ी लोग यहाँ पे शिफ्ट भी हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए जो ये ब्रिज का जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे सही करना। सर, तो सर यहाँ के जो MLA है, जो MP है, उनसे क्या कहेंगे आप इस ब्रिज को? मेरी अमदार साहब से और परेश दादा से एक ही निवेदन है, भले बारिश रहने दो, बारिश में भी सरकार ब्रिज बनाता है, ऐसे ही बारिश में इसका काम चालू करे। ये मैं और मेरा भाई का लड़का नितेश पाटिल, हम दोनों का अमदार साहब और प्रशांत दादा से रिक्वेस्ट है कि आप अभी काम चालू करो इसका, जैसा करोले में किया है, पाइप डाल के एक्सेस दिया फिर ब्रिज बनाया, सीधी करोले में बनाया एक एक्सेस दिया पाइप का और ब्रिज का काम चालू किया, अभी उनका ब्रिज भी हो गया। तो अमदार साहब को मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ध्यान जल्द से जल्द ध्यान दो, ताकि मतलब अगर इस पे अगर ध्यान नहीं दिया सर तो मतलब किसी की भी जान जा सकती है। अभी आज अभी का इसका पोजीशन ऐसा हुआ है, जो लोग इधर रहने को आए ना, एक तो नदी का बास आता है और जिसने फ्लैट लिया अच्छा सोसाइटी देख के, इधर ये ब्रिज के ऊपर परेशान होता है, डेली लफड़ा होता है, डेली कौन किसका मार खाते हैं, कोई भी फटक से गाड़ी डालते हैं, पीछे ले जाने का कोई नाम नहीं लेते हैं, या शाम के टाइम में कोई। ये जो ब्रिज अभी सिंगल लाइन का दिख रहा है सर, ये कितने लाइन का अभी पास हुआ है, क्या दो 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 लाइन का, दो लाइन का, हाँ 24 मीटर रोड है आगे जा रहा है। और ये ऐसा ही तलोजा का शिव मंदिर है ना,
उधर से हम लोग मंजूर करके लिए है, उधर ये करेगा तो डायरेक्ट फेज वन में वो ब्रिज जाएगा 15 मीटर का। मैं अभी आई हूँ, मैंने ये पूरा ब्रिज देखा है और मैं रोज़ आती जाती हूँ यहाँ पे, और जब अब यहाँ देखा है तो देखा है कि इतना ब्रिज ये हो गया है कि कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कब ये काम होगा, जब किसी की जान जाएगी तब ये काम होगा, उसके पहले नहीं होगा क्या? इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ब्रिज का काम करें, क्योंकि कोई न कोई कुछ न कुछ घटना बहुत जल्दी हो जाएगी यहाँ पे और किसी की फैमिली का बुरा हो जाएगा। और अगर ये काम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ और अगर यहाँ पे कोई हादसा हो गया तो हम बहुत बड़ा यहाँ पे मोर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जल्दी काम होना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रिज बहुत ही नाजुक हो चुका है और अब सामने बारिश है, बारिश की वजह से ये जो ब्रिज है इसके ऊपर तक पूरा पानी आता है, और अगर पानी पूरा आ गया और अगर वो ब्रिज अंदर गया तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा ना। इसके लिए जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए।